अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित धर्म। चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सत से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में ख्याल भी नहीं किया होता। जीवन को भगवान से प्लस दो, शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। पानी और पानी में छवि नजर आती, पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और पानी मधुरो तो चरित्र नजर आता है। खुशियां मन की शांति है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में, इस पल का अनुभव भी जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम खुद अंदर से शांत ना। इंसानों के मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छा अनंत है, यदि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता, और इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता। इसलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं कभी झुकने नहीं देते। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने लग साथ दिया उसके साथ दो, जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे इस बार ने तुम्हारे सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है, पूरा ही अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छा ही अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कार्य व्यक्ति बहाना मनुष्य अपने व्यवहार से ही खुद का वेद खोल देता है। भूल होना पर कीर्ति है, मान लेना संस्कृति और उसे सुधार लेना प्रगति है। कृष्ण तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हरे कृष्ण, और कोई माने या ना माने हम उसको या विश्वास, जब तक आप साथ हो सब कुछ मेरे पास। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है या अपने कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ना किसी को अपमान करता है ना ही इसको सहता है। इस बार हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्मी सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा होता है, आने वाला समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का नियम। एक नजर में तुम बेहद संपत्ति के मालिक बन सकते हो, और दूसरे चरण में तुम कंगाल। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती और खात्मे मुझ पर युवती है। सफल होने के लिए तीन नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की वीर में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती। दुष्ट लोग रस समझाने को मात से समझ लेते हैं, तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं तो इंसान की इच्छा को पूरा कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान है जिससे कभी भरा नहीं जा सकता। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो। तुम जैसे अपना समझकर मगन हो रहे हो।
बस यही मगन था तुम्हारे दुखों का कारण। उम्र थकान नहीं सकती हो करे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।